Coming up, sir. परसों मेरे मंडी को नंबर आया, बहुत मुश्किल के बाद नंबर आया। सरकार ने एक ऐप निकाला, तो ऐप में आप पहले फॉर्म भरो, फिर करो इंतजार नंबर आने का। पहले कई दिनों तक तो पेंडिंग आते रहे, पछे आए हुए परसों का नंबर। और मंडी में नयो नियम आए हुआ है, 10 बजे वो पहली पहुंच जाओ तो अंदर लेते हैं, नहीं तो गेट के बाहर, नो एंट्री। अभी आधी दुकानें खुली रहेंगी, क्या पता। दो लोगों ने जाबा की इजाजत है मंडी के अंदर, बस ट्रैक्टर को ड्राइवर और मैं। दुकान के सामने ढेर लगाना पड़ता, खरीदार आवे ढेर में हाथ लगावे, माल परखे और बोली बोले। लॉकडाउन का टाइम है, 2-4 के ऊपर तो खरीदार होंगे नहीं, बारिश का मौसम सिर्फ है, दूसरा सीजन शुरू हो जाए, बीज तो खरीदना पड़े। तो खरीदार जो बोली लगावे वो किस्मत, उसी भाव में बेचना पड़े, कहीं कहीं मुश्किल है। आज जाके मराठी का ट्यूशन चालू हुआ, 3 बच्चे आए थे ऑनलाइन। पहले डर लगा था मेरे को, लेकिन मजा आया। फिर बच्चे कैसे बैठे थे ना, एकदम चुपचाप, कोई मस्ती नहीं। अभी क्या कैमरे पे दिख जाएंगे ना। वैसे सच बोलू, मेरे को ना अच्छा लगता था बच्चे मस्ती करते थे तो। कितनी फिल्में देख लोगे, नेटफ्लिक्स कितना देख लोगे, जूम पर कितनी बातें कर लोगे, ऑनलाइन ज्ञान तो एंडलेस, पर कितना ले लोगे यार, लाइफ कम पड़ जाएगी मेरी तो। लाइफ एक लूप में चल रही है, मैं बाहर निकलती हूँ, ऑटो पकड़ती हूँ, ऑटो के 3 स्टॉप्स होते हैं, दूध वाला, ATM और ऑफिस। अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन में बस वही आते रहते हैं। बाल कटाने का बहुत मन कर रहा है यार, सोचू एकदम छोटे कर दूँ। दोस्तों, आज एक बचपन का किस्सा सुना था। मेरे पिताजी झाड़ू बनाते थे और मेरी आई बांबू की टोकरियां बनाती थी, रोटियां रखने की टोकरियां। हर गुरुवार और इतवार के दिन बाजार लगता था और पिताजी ये दुर्डिया ये झाड़ू लेके बाजार जाते थे। जब शाम में लौट के आते थे तो पीकर दूध आई को हिसाब देते थे और हिसाब बहुत कम आता था, तो आई पूछती थी कि हिसाब इतना कम क्यों, अगर इसमें से दारू के पैसे भी निकाल लेते हैं फिर भी हिसाब कम है, ऐसा क्यों? तो कुछ जवाब नहीं आता था। तो एक दिन आई बाजार चली गई और उसने देखा कि ग्राहक 50 का नोट देके पिताजी से 10 रुपए की टोकरी खरीदते हैं और मेरे पिताजी 50 की नोट को 100 रुपए का नोट समझ के 90 रुपए वापस दे देते हैं। तब मेरे एक बात समझ में आई कि आई इस मामले में ज्यादा तेज है, फिर भी उसे बाजार जाने क्यों नहीं मिलता है और वो घर पे मार खाती रहती है। आज सुबह पता चला क्या हुआ, सुबह 6 बजे एक ट्रक आया गांव में, कोई आदमी उतार के चलो। अब ये कोरोना के चक्कर में गांव में कौन आए, कौन आ सकता है गांव में? तो लोग बतावे कि चंदाराम को भाई आयो हैदराबाद से,
ये हुआ मेरी घरारी पद्मा, जानते हो ना, तो वो आशा सहयोगी है। तो पूरे गांव का कोरोना सर्वे, मतलब 220 घर और नहीं कुछ तो 80 ढाणी, ये सब एक अंडर आवे। तो उसने रिपोर्ट कर दी व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब बताओ, तो पता नहीं पटवारी क्या बोले। परसों जाना है मंडी में, जीरो बेची नहीं, डर लग गया कहीं झमेलो ना हो जाए। हमने इंटरकास्ट मैरिज की थी, मैंने और ज्योति ने, गांव के सारे रूल्स तोड़ दिए थे हमने, मुंबई में जाके रहे, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में, शादी की वो भी कोर्ट मैरिज, वो जबरन घोड़े पे बैठना जैसे कि युद्ध के लिए जा रहे हो, वो चार दोस्तों का शराब पी के सामने नाचना या पूरे गांव के साथ स्टेज पे फोटो वोटो खिंचवाना, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। हमने दलित लिटरेचर पढ़ा, नाटक किए, जिंदगी जी। मेरे पिताजी ना बैल चराया करते थे, तो मेरे पिताजी इंसानों से ज़्यादा बैलों से प्यार करते थे। तो मेरे ज़िंदगी में मेरे दो एम थे, पहला एम था कि मुझे बैल नहीं चराने, और दूसरा था कि मुझे इंसानों से प्यार करना है। काल पटवारी को फोन आयो चंदाराम को, चंदाराम बोला मारो भाई तो कोनी आयो। और रात में चंदाराम ने फोन किया पद्मा को और गाली दी। आज बताया उसने मुझे, अब रिपोर्ट तो करनी पड़े, कल गाली दिए आज मारपीट कर सके, अभी सुबह जानो है मंडी, कुछ गड़बड़ हुई तो आपको फोन करूंगा। मालूम है आज मैंने क्या किया? वो सामने वाले रेड्डी है ना, उनके दरवाजे की घंटी बजाई और उनको बोला देखिए आप भी इतने दिनों से घर पे बंद हो, हम भी बंद है, आप भी कहीं नहीं गए, हम भी कहीं नहीं गए, तो आपकी अम्मू को भी खेलने का मन करता ही होगा ना, आयुष और अम्मू को साथ में रोज एक घंटा खेलने देंगे तो चलेगा क्या? वो तो खुशी से कूद पड़े। अभी बच्चे फोन पे खेलते हैं, मतलब खेलते थोड़े ही है, उसको खेलना कैसे बोल सकते हैं, उसको तो बस घूरना बोल सकते हैं। अभी गया है आयुष लपा छुपी खेलने। यू नो व्हाई आई फील लाइक कटिंग माय हेयर, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं। कल वो बोलेंगे कि लॉकडाउन एक साल चलेगा, तो हम भी क्या कर लेंगे। वो लोग बोलते कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोगों को हो गया, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वो रिलीफ फंड मांगते हैं हम देते हैं, बोलते हैं हमने मजदूरों को दे दिया, बट वी डोंट नो शिट। बड़े सपने देखने से भी डर लगता है, साला पूरे ही नहीं होंगे। आई कांट ड्रीम ऑफ गोइंग टू गोवा, पॉसिबिलिटी की रेंज में ही नहीं आता है यार। एक गोवा तो छोड़ो, आई जस्ट वॉन्ट टू गो इन टू अ कैफे जहाँ मेरे जैसे थोड़े नॉर्मल लोग बैठे हो, एंड आई वॉन्ट टू हैव अ कॉफी, ऐसी कॉफी जो मैंने खुद नहीं बनाई है, पर वो भी मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में है सिर्फ एक कैंच जिससे मैं अपने बाल के काट सकती हूँ। आज क्लास में क्या हुआ मालूम? वो अंकुर है ना, उसको मुझे ऐसे अचानक रोकने का मन किया, क्या ना वो गलत सुन के गलत लिख रहा था, तो उसको रोकने के लिए मैंने बोला अरे अंकुर, और ऐसे हाथ आगे बढ़ाया। ऑनलाइन दोस्तों सारे रिपोर्ट निगेटिव आए, घर पे आया, अभी आइसोलेशन में ही रहना है।
स्वप्निल, अरे क्या गाना कंपोज किया है मेरे दोस्त तूने, क्या बात है, कमाल का कंपोजिशन है। पता है मैंने गाना गा के ज्योति को भेजा तो ज्योति ने क्या कहा, उसने कहा कि कंपोजिशन बहुत ही कमाल का है, लेकिन गाने का जो एंड वाला पोर्शन है, मतलब लिरिक्स का पोर्शन, वो थोड़ा निराशावादी लग रहा है, कुछ अलग होना चाहिए। तो हमने काफ़ी डिस्कशन की और ज्योति ने बताया, उसने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। तो मैंने कहा ज्योति अगर इतना अच्छा आइडिया तुम्हारा है तो ये गाना तुम ही क्यों नहीं गा लेती। तो मैं एक गाने की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ दोस्तों, सुन लेना। मेरी आई की तरह ज्योति भी ना अपने आदमी से ज़्यादा तेज है। अभी आया मंडी से। पद्मा ने उसके मेडिकल डॉक्टरों को कह दिया कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो काम कहीं कर सके, बराबर। फिर क्यों, दूसरे दिन दो जीपा में भर के पुलिस आ गई मंडावा और नागौर से। सरपंच को लेके चंदाराम के घर गई, उसको बोला जेल कर देंगे। डर गया, घबरा गया, रोने लगा। पद्मा को बोला तू मेरी बहन जैसी है, माफ़ी मांग ली उसने। भाई को छुपा के रखा था ढाणी में, उसको लेके आ गए, पुलिस ने सबको क्वारंटाइन कर दिया। अब इसके बाद जिसका भी बाहर गांव से कोई आने वाला होगा वो पद्मा को फ़ोन करे। अब इस सारे चक्कर में मंडी जाने में मुझे देर हुई, 10 बजे को टाइम था, 12 बजे पहुंचा। फिर क्या, सारे कट्टे लेके वापस। अब करो इंतज़ार, पता नहीं कब नंबर आए। बारिश के इंतजार से भारी है ये नंबर को इंतजार। अरे हाँ, वापसी में आपके दादाजी के खेत को वीडियो बनाया था, भेजता हूँ। लेकिन खत्म होती रात दिन से मिलाया करती है। रात चाहे कितनी भी काली हो, अगले दिन सूरज उगता है। ये नया सूरज प्रेम का हो, इज्जत का हो, इंसानियत का हो और सबका बराबर का हो, तभी हो। सदियों तक ये रहे याद, 21 दिन